अस्सलाम वालेकुम डिफेंस वर्स फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाक आर्मी के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बाकायदा कमान संभालने की खबर पर बात करेंगे। तुर्क कंपनी एसएसआन की वाइड एंगल डिस्प्ले स्क्रीन, इंडिया और मलेशिया की मुश्तरक एक्सरसाइज लेपर्ड टैंक से मुतालिक तरबियती प्रोग्राम, जापान का दिफाई बजट में इजाफे का मनसूबा, बेलारूस और फिनलैंड समेत दीगर अहम बैन अल्कवामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की बड़ी फौज के नए सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने रावलपिंडी में मुनक्किद होने वाली तकरीब में बाज़ाब्ता तौर पर बड़ी फौज की कमान संभाली है। जनरल आसिम मुनीर ने जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह ली है, जो 6 साल तक पाकिस्तान की बड़ी फौज के सरबराह रहने के बाद रिटायर हुए हैं। याद रहे कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की बड़ी फौज के 17वें सरबराह हैं। आज GHQ में होने वाली तकरीब में जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने ओहदे की जिम्मेदारियाँ और कमांड स्टिक नए फौजी सरबराह जनरल आसिम मुनीर को सौंपी, यानी पाकिस्तान की अब बड़ी फौज की क्यादत की ये छड़ी जनरल आसिम मुनीर के हाथ में होगी। वाज़ह रहे कि इस कमांड स्टिक को बैटन भी कहा जाता है और ये छड़ी किसी ओहदे की जिम्मेदारियों की मुंतकली की अलामती निशान होती है। पाकिस्तान की फौज में 1-स्टार ऑफिसर यानी ब्रिगेडियर से ऊपर के ओहदे में तरक्की पाने वाले हर अफसर को एक छड़ी सौंपी जाती है। ये बैटन सिंगापुर से मंगवाए गए मलाका केन से तैयार की जाती है। 1-स्टार ऑफिसर यानी ब्रिगेडियर से ऊपर के अफसरान को मिलती है और हर पुराना अफसर अपने बाद आने वाले अफसर को ये छड़ी सौंप देता है, जो नए ओहदे पर तरक्की कर जाता है। कमांड स्टिक या बैटन के हवाले से अगर आप मजीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी डिटेल वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी एसएलसान ने एक नई मल्टी फंक्शन वाइड स्क्रीन डिस्प्ले मुतारिफ करवाई है, जो हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल की जा सकती है। तुर्क मीडिया सोर्सेज के मुताबिक इस वाइड एंगल मल्टी फंक्शन डिस्प्ले को तुर्की के मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले गोकपे हेलीकॉप्टर में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रेंड्स, मुख्तलिफ तुर्क कंपनियाँ इस वक्त दिफाई एतबार से खुद इन्हसारी की तरफ तेजी से गामजन है। तुर्की की आज बहुत सी कंपनियां मकामी सतह पर मुख्तलिफ वेपन्स के सिस्टम, सब सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर्स तक तैयार कर रही हैं। फ्रेंड्स, जापान के बारे में इतलात हैं कि वो अपनी नेवी के लिए सबमरीन लॉन्च न्यू लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ मिसाइल तैयार करने पर गौर कर रहा है। जापानीज मीडिया सोर्सेज का दावा है कि जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के पास मौजूद सबमरीन दुश्मन की डिटेक्शन से बहुत महफूज हैं। अलबत्ता स्टैंड ऑफ मिसाइल से इक्विप किए जाने की सूरत में ये सबमरीन लॉन्ग रेंजेस पर महफूज रहते हुए एनमी टारगेट्स को निशाना बना सकेंगी। अलबत्ता इस मिसाइल की टाइप और रेंज के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया। फ्रेंड्स, रशिया के इत्तेहादी मुल्क बेलारूस ने 24 मजीद T-72 टैंक रशियन आर्म फोर्सेस के हवाले कर दिए हैं। इतलात के मुताबिक ये 24 T-72 टैंक रशिया के डोनेट्स्क रीजन में मौजूद आर्म फोर्सेस को दिए गए हैं। बेलारूस के मीडिया सोर्सेज का कहना है कि ये टैंक बुनियादी तौर पर बेलारूस की आर्म फोर्सेज के 900 से जायद T-72 टैंक के रिजर्व में से रशियन आर्मी को दिए गए हैं। याद रहे कि बेलारूस यूक्रेन जंग के आगाज से लेकर अब तक रशियन आर्म फोर्सेस को 94 T-72A मेन बैटल टैंक और 36 से 40 ट्रक्स फराहम कर चुकी हैं। बेलारूस की आर्म फोर्सेस 537 टैंक्स इस्तेमाल करती हैं, जिसमें से 517 T-72B और 20 T-72B3 टैंक्स हैं। अलबत्ता रशियन आर्म फोर्सेस को अब तक फराहम किए गए तमाम T-72 टैंक्स बेलारूस की आर्मी के रिजर्व में से थे। फ्रेंड्स, इतलात के मुताबिक अमेरिका अपने मगरबी इत्तेहादी फिनलैंड को AIM-9X ब्लॉक 2 एयर टू एयर मिसाइल और AGM-154 ज्वाइंट स्टैंड ऑफ वेपन्स फराहम करेगा। ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल बुनियादी तौर पर फॉरेन मिलिट्री सेल के तहत अमेरिका से फिनलैंड को फराहम किए जा रहे हैं। इस डील की मालियत $323.3 मिलियन बताई गई है। डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी की तरफ से जारी करदा बयान में 40 AIM-9X ब्लॉक 2 मिसाइल्स और इसके अलावा 4 AIM-9X ब्लॉक 2 टेक्टिकल गाइडेंस यूनिट्स के अलावा 48 AGM-154 ज्वाइंट स्टैंड ऑफ वेपन्स शामिल हैं।
फ्रेंड्स, इंडिया और मलेशिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाओ शक्ति 2022 का आगाज हो गया है। मलेशिया में होने वाली ये एक्सरसाइज 28 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। वाज़ह है कि दोनों मालिक की इस मुश्तरका मिलिट्री एक्सरसाइज का आगाज 2012 में हुआ था। ये एक्सरसाइज सालाना बुनियादों पर कंडक्ट की जाती है, जबकि गुज़श्ता एक्सरसाइज इंडिया में मुनक्किद की गई थी। फ्रेंड्स, अमरीकी कंपनी L3 हैरिस कम्युनिकेशन सिस्टम्स को रॉयल ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अमरीकी कंपनी 1300 मॉडर्न मल्टी मोड रेडियोज रॉयल ब्रिटिश आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को फराहम करेगी। दोनों मालिक के दरमियान तय पाने वाली इस डील की मालियत $90 मिलियन से ज्यादा बताई गई है, जबकि L3 हैरिस की तरफ से इस सिलसिले की पहली शिपमेंट इस साल के एंड में रॉयल ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस के हवाले कर दी जाएगी। फ्रेंड्स, इत्तलात के मुताबिक जर्मन आर्मी ने चेक रिपब्लिक की आर्मी के सोल्जर्स को लेपर्ड 2A4 मेन बैटल टैंक से मुतालिक तरबियती प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। वाज़ह है कि चेक रिपब्लिक को जर्मनी की जानिब से 14 लेपर्ड 2A4 मेन बैटल टैंक इस साल दिसंबर में डिलीवर कर दिए जाएंगे। जर्मनी की जानिब से ये लेपर्ड टैंक चेक रिपब्लिक को बुनियादी तौर पर T-72 मेन बैटल टैंक यूक्रेन को फराहम किए जाने के हवाले से दिए जा रहे हैं। जर्मनी की जानिब से लेपर्ड टैंक की डिलीवरी से पहले चेक रिपब्लिक की आर्म्ड फोर्सेस के ट्रूप्स की इन टैंक से मुतालिक ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया है। फ्रेंड्स, जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट को इन्फॉर्म किया है कि उनकी हुकूमत जापान के दिफाई बजट को 2027 तक मुल्क के GDP के 2% तक बढ़ा देगी। वाज़ह है कि जापान का मौजूदा दिफाई बजट उसके GDP का तकरीबन 1% है। जापान गुज़श्ता कुछ अरसे से मैसिवली अपनी मिलिट्री को अपग्रेड कर रहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म के सरफेस टू एयर मिजाइल सिस्टम की डेवलपमेंट, लॉन्ग रेंज मिजाइल की एक्विजिशन और ड्रोन के अलावा क्रूज मिजाइल की एक्विजिशन काबिले जिक्र है। हालिया कुछ अरसे में जापान की जानिब से डिफेंसिव के बजाय ऑफेंसिव नोयत के वेपन्स की एक्विजिशन के बारे में भी दिलचस्पी देखने और सुनने को मिली है। फ्रेंड्स, नेटो ममालिक की रोमानिया में होने वाली मुश्तरका एक्सरसाइज में फ्रांस, इटली और जर्मनी के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा SAMP/T एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने एक सिमुलेटेड एयर अटैक में एयरक्राफ्ट्स को कामयाबी से इंटरसेप्ट किया है। याद रहे कि मई 2022 में SAMP/T सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को रोमानिया में डिप्लॉय किया गया था और ये नेटो के इंटीग्रेटेड एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अहम कंपोनेंट है। 23 नवंबर को होने वाली इस एक्सरसाइज में टर्किश एयरफोर्स के F-16 और स्पेनिश यूरोफाइटर टाइफून ने इस मिशन में हिस्सा लिया, जबकि अमेरिका की जानिब से इस एक्सरसाइज में EA-18G ग्रोलर एयरक्राफ्ट और फ्रेंच नेवी के रफाल तैयारे भी इस एक्सरसाइज में शामिल थे। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।